इफ द एट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस ठीक है इफ़ द एट्रेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस देन द आइन एस एन थेरेपी विल इंक्रीज इफ द रिपल्शन बिट्वीन द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस देन ऑल्सो आइएशन एंड थेरेपी विल डिक्रीज है ना रिपल्शन मीन्स शिल्डिंग इफेक्ट इफ इट इंक्रीजेस तो निकालना आसान हो जाएगा एंड एक्सचेंज एनर्जी एक्सचेंज एनर्जी मीन्स इफ इट इज सपोज लाइक दिस एक्सचेंज एनर्जी इफ इट इज लाइक दिस देन द एक्सचेंज एनर्जी विल बी मोर लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी विल बी मोर इट विल बी मोर स्टेबिलाईज्ड सो टेकिंग आउट विल भी डिफिकल्ट बट इफ इट इज लाइक दिस देन द एक्सचेंज एनर्जी इज ओनली थ्री राइट आर रांग सो ओनली दिस यू कैन एक्सचेंज विथ दिस एंड दिस कैन एक्सचेंज विथ दिस है ना तो आई नैशन इन थे बी मोर इन दिस केस एंड लेस इन दिस केस

एम एन प्लस का 3D डी एम प्लस का 3D5 4S1 कॉन्फ़िगरेशन है और CR प्लस का 3D5 कॉन्फ़िगरेशन है तो MN प्लस से MN2 टू प्लस टू बनने में आई एन कम लगेगा 3D5 से 3D4 बनने में आई एन ज्यादा लगेगा यही तो लिखा है ना कि द कॉन्फिगरेशन देर फॉर आई एन एन प्लस इज लोअर देन दैट ऑफ CR आर प्लस हाँ इसका एन एन कम होगा इसका ज्यादा होगा इससे निकालना कठिन होगा इससे निकालना आसान होगा यस इन the सेम ए प्लस टू हेज डी सिक्स कॉन्फिगरेशन एंड एम एन प्लस टू हैज थ्री डी एम एन प्लस टू हैज खोलो तो इसको खोलो तो क्या लिखा हुआ है एम एन प्लस एस थ्री डी फाइव कॉन्फिग प्लस टू हैज थ्री डी फाइव कॉन्फिगरेशन हाँ एक ही बात है ए जे एम एन प्लस टू हैज थ्री डी फाइव कॉन्फिगरेशन हाईवर एफी प्लस टू हेज़ थ्री डी सिक्स कॉन्फिगरेशन तो यहाँ से निकालना टफ़ होगा यहाँ से आ, आ, आसान होगा तो इसका एम एन प्लस टू का ज़्यादा होगा प्लस टू का कम होगा Yes no? तो इसीलिए यहाँ पे यहाँ पे समझा दिया गया है इस चीज को दिस पहले ही समझा दिया ना हम लोगों ने एन प्लस टू इन अदर वर्ड्स वी कैन से द दर्ड डायशन एन थे समझ गए हम लोग ये तो पढ़ लिया हम लोग राइट और रॉन्ग एक्सचेंज एनर्जी से कैसे अफेक्टेड होता है पढ़ लिया अच्छा यहां पे क्या लिखा हुआ है देखते हैं द लोवेस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस मेटल्स इज प्लस टू हाँ लोएस्ट कॉमन तो प्लस टू ही होगा क्योंकि फॉरेस्ट से एक निकलेगा फॉरेस्ट से दूसरा निकलेगा तो लोएस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्लस टू ये किसका बुक है मेरा कि तेरा मेरा खोल के पकड़ तो रुक हम्म तो द लोएस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस मेटल्स इज प्लस टू To form the M plus 2 ions from their gaseous atoms, the sum of the first and second ionization enthalpy is required in addition to the enthalpy of atomization, obviously. 4S1 mm -hmm. uh, uh, first ionization enthalpy, Dusra nikalna is second ionization enthalpy. Sum of the both the ionization enthalpy is required, and also uh, enthalpy of atomization is required because you are doing it in the gaseous atoms. Right or wrong? Yes, yes, atoms, मतलब क्या तुम मेटल स्टेट में तो सब जुड़ा हुआ है एटम्स राइट और रॉन्ग आई मीन सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर में एच सी पी सी सी पी जो भी कह लो तो वहां से तुम एटम को निकालोगे तो मतलब ऑफ एटोमाइजेशन भी जरूरी होगा ये सर नो तो तीन चीज का एडिशन करने से उतना एनर्जी लगता है द डोमिनेंट टर्म

समझ में आया ना ये चीज़ क्योंकि फर्स्ट डायनेशन एथेपी जरूरी है सेकंड सेकेंड डायनेशनपी जरूरी है और इंथेलपी एटामेशन जरूरी है अब बोला है कि डोमिनेंट टर्म है सेकंड डायनेशन एनथेपी क्योंकि सेकंड डायनेशन जब तुम करोरोस्पॉन्ड करने जाते हो तो फोरेस्ट से निकल के डी फाइव और डी टेन कॉन्फिगोरेशन रिस्पेक्टिवली हम लोग को फेस करना होता है द वैल्यू ऑफ जिंक इज करस्पॉडिंगली लो क्योंकि डी टेन कॉन्फिगरेशन है लो एज द आयनाइजेशन एनर्जी कॉज इज द रिन्योरेस इलेक्ट्रॉन अच्छा जिंक का सेकंड आयनाइजेशन एंथेलपी देखते हैं जी जिंक का सेकेंडाइजेशन थे घट चुका है क्यों क्योंकि तुम तो फोरेस्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो फोरेस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में तो उतना चाप नहीं है जब सेकेंडाइजी जब प्लस टू स्टेट फॉर्म करने के लिए डी से इलेक्ट्रॉन निकालना हो रहा है तुमको मतलब जिन लोगों का फोर एस वन कॉन्फिगरेशन है और इन लोगों का फर्स्ट सीरीज में ना बहुत जन का फोर एक्स वन कॉन्फिगुरेशन और सेकेंड सीरीज में है सॉरी यहाँ पे फर्स्ट सीरीज में ए जी फोर एस वन कॉन्फिगरेशन है फोर एस वन कॉन्फिगुरेशन है रेट और रॉन्ग तो जिन लोगों का फोरेस वन कॉन्फिगुरेशन है क्रोमियम और कॉपर का फोरेट वन कॉन्फिगुरेशन है यानी फर्स्ट आइनशन थेरेपी में एस इलेक्ट एस निकलेगा मतलब एसी इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसमें चाप नहीं है सेकंड में तुमको फाइव से निकालना पड़ेगा सेकंड में तुमको फाइव से निकालना पड़ेगा आई मीन डी डी से निकालना पड़ेगा यही तो गंडगोल कर देंगे इन दोनों के लिए सेकंड आइनेशन थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट बट जिंक के लिए सेकंड आइनेशन थेरेपी इज उतना इंपॉर्टेंट नो बिकॉज एक निकलेगा फिर फोरेस्ट वन बनेगा दूसरा निकल जाएगा तो इसीलिए वैल्यू डिक्रीज हुआ है यहां पर सेकंड गया द ट्रेंड इन द थर्ड दर्ड आय इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड बाय द ऑर्बिटल फैक्टर एंड शोज द ग्रेटर डिफिकल्टी ऑफ रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डी फाइव एंड डी टेन आय इन जनरल अच्छा थर्ड आय एन में देख रहा हूं क्रोमियम का है टू नाइन नाइन ज़ीरो जिंक का है थ्री एट थ्री सेवन ठीक है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है क्योंकि डी फाइव से निकालना पड़ रहा है ये भी स्टेबल है डी टेन ज़्यादा स्टेबल है रेडर रॉन्ग और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ चुका है इधर जाते हुए इज दिस क्लियर टू यू श्योर अच्छा in general the third ionization enthalpies are quite high also the high values for third ionization enthalpies of copper nickel and zinc indicate why it is difficult to obtain oxidation state greater than 2 for these elements obviously copper zinc or nickel ke liye copper kahan kahan hai copper ke liye copper ke liye nickel is nickel copper zinc ke liye kyunki uh, क्यों ज़्यादा है क्योंकि पहली बात तो थर्ड डायमेंशन एंथैल्पी में प्लस थ्री स्टेट फॉर्म करने के लिए तुमको डी टेन से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा फोर एस टू से निकल चुका है डी टेन से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा और जब तुमको डी टेन से निकालना पड़ेगा तब टफ हो जाएगा वो चीज़ इज दिस कलेक्ट टू यू एक तो स्टेबल है डी टेन दूसरा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है इज दिस कलेक्ट टू यू Although ionization enthalpy gives some guidance of converting the relative stabilities of oxidation states, this problem is very complex and not amenable to ready generalization. Although ionization enthalpy gives, मतलब oxidation state पहले ही बोल दिया है, भाई oxidation state मत पढ़, और ज़्यादा complicated है, पहले ही बोल दिया है, है ना? तो चलो, ionization enthalpy समझ में आ गया हम लोगों को, यहाँ से question होने से भी हो जाएगा, है कि नहीं?